हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, हम आपकी EVS की जो बुक है लुकिंग अराउंड क्लास 3 की, उसका हम कर रहे थे चैप्टर छोटूज हाउस। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में किया था छोटूज हाउस, इसकी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब हम पेज नंबर 33 पे, जो इसके बाद में एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, उसको करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट तक देखना पूरी, और क्वेश्चंस समझना और खुद से करना। कुछ क्वेश्चन खुद के लिए भी करने के लिए दूंगा, वो आपको करने हैं। होम स्वीट होम, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। बच्चा पूछ रहा है अपनी मम्मी से, या बोल रहा है कि आप हमें हमेशा बताते हो कि घर जो है सिर्फ हमारा है। बट हाउ डू यू बिलीव दैट मदर वेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। वो कह रहा, बस ऐसे आपको कैसे पता चला इस चीज़ का, क्योंकि मैंने तो देखा है कि भाई काफ़ी जीव जंतु हैं। ठीक है, हमारे अलावा काफ़ी औरों का भी ये घर है, इसे ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं हम। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। उसने कहा, भाई चूहों को देखो कि वो कैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, और देखो ये कैसे मच्छर यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और जो स्पाइडर है वो कितनी खुश है और आराम से एक जगह बैठी हुई है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। वो कह रहा, भाई इस लेजी लिजर्ड को देखो, छिपकली को, आलसी छिपकली को देखो कि वो कैसे स्लोली स्लोली क्रॉल करती है, मतलब रेंगती है आगे और पीछे की तरफ। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो, और देखो ये बहुत सारी चींटियों को सब एक लाइन में चल रही हैं, जैसे कि परेड कर रही हो। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में देखो बाहर की तरफ, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट। जो बर्ड्स हैं वो दाना चुग रहे हैं, पैकिंग का मतलब होता है दाना चुगना। ठीक है, तो वो चुग रहे हैं, मतलब कि कुछ दाना वाना डाल देते होंगे आंगन में, है ना। हम देखते हैं बस पक्षियों के लिए, कुछ लोग छत पर डाल देते हैं, आंगन में डाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं कहीं गार्डन में, तो वो दाना चुग रहे हैं। जस्ट लाइक वेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट। पैकिंग का मतलब एक ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर शोर मचाकर कुछ खेल रहे हैं पक्षी, आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरी बहन कुछ कभी कभी करते हैं लड़ाई झगड़ा करते वक्त। ठीक है, आपस में चिल्लाते वक्त। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आर्स वगैरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ मम्मी कि ये मत समझो कि घर सिर्फ हमारा ही है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स ऑल हु लिव हेयर एंड हैव बिन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स वगैरह। एक घर हमें भी प्यारा है और उनको भी उतना ही प्यारा है जो यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी भाई घर में, ठीक है, घर के बारे में। अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो पेज नंबर है 34, उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हैं इसके बारे में, तो आज हम इसको फिनिश करेंगे। पहला तो है भाई आपके लिए ये, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अन इन्वाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी के रूप में होगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है भाई, दो किसी उन जानवर की फोटो बनानी है जो कि हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, चूहा हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, कभी कभी आ जाती है जो बाहर से। ठीक है, चींटी हो सकती है, कॉकरोच हो सकती है, छिपकली, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसने बताई हैं, पक्षी हो सकते हैं। तो वो आपको ड्रॉ करनी है दो की, और उनके नाम लिखने की वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, आप अपना घर साफ, क्या आप अपना घर साफ रखते हो और कैसे। वी क्लीन आर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड्स, कैसे लिखेंगे हम कि हम फॉलोइंग मेथड्स से अपने हाउस को क्लीन रखते हैं। ठीक है, क्या क्या हम करते हैं वो हम लिखेंगे। देर इज रेगुलर क्लीनिंग विद ब्रूम स्टिक, कह रहा है हम डेली झाड़ू लगाते हैं घर में।
ठीक है, घर की सफाई झाड़ू से डेली होती है, आपने देखा होगा, मम्मी पापा या भाई बहन या खुद भी हम कभी कभी करते हैं, ये हाथ बटाते हैं अपना घर वालों का, तो झाड़ू हम डेली लगाते हैं। देर इज़ रेगुलर मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स, पोछा भी डेली लगाते हैं। बाथरूम इज़ क्लीन्ड ऑन डेली बेसिस, जो बाथरूम है टॉयलेट है हमारे, उनको डेली बेसिस पर क्लीन रखते हैं। थ्रोइंग आउट वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन, वेस्ट जो है, गार्बेज जो है, वो हम डस्टबिन में ही डालते हैं। तो इस तरीके, इन तरीकों से हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट का रहेगा, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, तो यह रहेगा येस वी कीप आवर हाउस क्लीन। ठीक है, शुरुआत आप इसकी ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, येस आई कीप माई हाउस क्लीन, या फिर यहाँ पे लिखेंगे आई की जगह वी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, वी, येस वी कीप आवर हाउस क्लीन, क्योंकि अकेला तो कोई रखता नहीं है भाई, सब फैमिली मेम्बर्स मिलके साफ सफाई करते हैं ना, हाथ बंटवाते हैं एक दूसरे का, तो येस वी कीप माई आर हाउस, माई नहीं होगा यहाँ पर, फिर आवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, येस वी कीप आवर हाउस क्लीन, वी क्लीन आर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड्स, ऐसे करके आप ये लिखेंगे। और भी जो आप करते हैं घर को साफ रखने के लिए, वो आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें। हु ऑल हेल्प टू कीप आवर योर हाउस क्लीन, कह रहा भाई और कौन कौन है जो आपका घर साफ रखने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, देर आर मेड सर्वेंट हु डज द मॉपिंग, भाई कुछ लोगों के घर में सर्वेंट भी आते हैं, मेड भी आती हैं, है ना, झाड़ू पोछा करने वाली आंटी आती हैं, तो वो हाथ बटाती हैं साफ कर, सफाई करने में, वो साफ सफाई कर जाती हैं। मेम्बर्स इन द फैमिली टेक टर्न्स टू क्लीन बाथरूम, और जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो डेली डेली अपनी टर्न वाइज रोज टॉयलेट को साफ करते हैं। ड्यूरिंग मंथली क्लीनिंग एवरी डे एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स, और जब महीने के बाद, महीने में जो एक बड़ी वाली सफाई होती है जिसको कहते हैं भाई पूरे घर की सफाई होती है, उसमें सभी लोग हाथ बटाते हैं, तो इस तरीके से इतने लोग हाथ बटाते हैं आपके घर सफाई करने में। और भी अगर इसके अलावा कुछ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं अपने कोई आंसर में। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह फ्रेश होने कहाँ पर जाते हो, ठीक है, तो अब देखो भाई पुराना टाइम था, उस टाइम तो लोग बहुत जंगल में खेतों में चले जाते थे, ठीक है, पहले टॉयलेट नहीं होते थे, अब तो सबके घर में टॉयलेट होते हैं, तो आई गो टू टॉयलेट टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, मैं टॉयलेट में जाता हूँ फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज कूड़ा जो है वो कहाँ पर फेंकते हैं। वी थ्रो द गार्बेज इन अ गार्बेज बिन एंड पीपल फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी केम कम टू टेक द गार्बेज अवे, हम कहाँ पर डालते हैं भाई गार्बेज बिन, मतलब कि डस्टबिन जो होता है बाहर, कूड़ादान जो होता है एक बड़ा सा सोसाइटी में या फिर रोड के सहारे एक बड़ा सा कूड़ा घर भी बना देते हैं उसमें, ठीक है, तो कुछ लोग वहाँ पर डालते हैं, कुछ लोग घर में जैसे म्यूनसिपैलिटी की वैन आती है, गाड़ी आती है कूड़े वाली, उसमें डाल देते हैं। तो आप इसमें अपना आंसर भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ पर फेंकते हैं अपना कूड़ा, कूड़े वाली गाड़ी है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, और मैंने इसमें वैसे इंक्लूड कर दिया है। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, आपके घर पे, आपके घर के आसपास का एरिया जो है वो क्या साफ है। डू यू येस द एरिया अराउंड माई हाउस इज क्लीन, ये भाई सबके घर के आसपास तो सब में सफाई होती है लगभग, ठीक है, कभी कभी होता है कि नहीं होती सफाई तो वो कर दी जाती है, तो मोस्टली सफाई होती ही है। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, आप अपने घर के अंदर या बाहर कहीं टॉयलेट है यूज करते हैं। येस आई यूज़ द टॉयलेट इन माई हाउस, भाई सबके घर में, जैसे मैंने बताया कि पहले घर पर टॉयलेट नहीं होते थे, अब सबके घर में टॉयलेट होते हैं, तो येस आई यूज़ द टॉयलेट इन माई हाउस, मैं अपने घर में टॉयलेट यूज़ करता हूँ। हु क्लीन्स इट, अब उसे कौन सफाई करता है भाई। ऑल द फैमिली मेम्बर्स टेक टर्न्स टू क्लीन द टॉयलेट, भाई सभी फैमिली मेम्बर बारी बारी से सफाई करने की टर्न लगाते हैं, ठीक है, कभी किसी ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, ऐसा नहीं है भाई एक ही बंदा सारा हर बार साफ करेगा,
तो ये सबकी जिम्मेदारी है ना भाई, यूज तो सब करते हैं, तो सबको हेल्प करनी चाहिए साफ सफाई करने में। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप उसे साफ रखने में कैसे मदद कर सकते हैं या फिर करते हैं। आई हेल्प बाई हैंडलिंग ओवर द क्लीनिंग आइटम्स टू द पर्सन क्लीनिंग द टॉयलेट। इसमें लिखा है भाई मैंने आपके लिए कि मैं टॉयलेट में जो साफ सफाई करने की सामान है उसको देने में हेल्प करता हूँ अपने फैमिली मेम्बर की जो भी सफाई कर रहा है। आइटम्स लाइक ब्रश, ब्रूम स्टिक, हार्पिक एट्सेट्रा। भाई ब्रश से टॉयलेट साफ करते हैं, है ना, टॉयलेट वाले ब्रश होती है ना बड़ी सी, और झाड़ू वगैरह से भी कर सकते हैं, और हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं उसको साफ सफाई करने के लिए। तो इस तरह से ये आइटम भाई हेल्प ये भी होती है ना कि सामान उनको पकड़ाते हैं हेल्प के टाइम, जब उन्हें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हम उन्हें दे देंगे। तो इस तरह से भी हम हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो आपके यहाँ तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई यूज ऑफ टॉयलेट। सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टेकिंग टॉकिंग टू हर। सिमी ने देखा भाई बिल्लू जो उसका दोस्त है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल मतलब कि परेशान है और वो उससे बात नहीं कर रहा है। सिमी ने बिल्लू से पूछा भाई व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल, भाई क्या हुआ, आप बहुत ही डल लग रहे हो, मतलब कि उदास लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या दिक्कत है। बिल्लू आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। अब वो कह रहा है मुझे टॉयलेट यूज़ करना प्रॉपरली आता नहीं है, और हीरा मैम जो है वो भी राउंड पे आएगी और मुझे फिर से डांटेगी टॉयलेट को ढंग से यूज़ ना करने के लिए। अब देखो भाई पिक्चर में दिखा रहा है ना भाई ये करना, इसको यहाँ पे ये पोटी कर रहा है यहाँ पे, तो इसको ढंग से करना नहीं आ रहा ना, यूज़ करना नहीं आता इसको टॉयलेट, इस वजह से परेशान है। वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, सिमी कह रही है भाई आप ढंग से क्यों नहीं यूज़ करते फिर, इतना डर है तो। बिल्लू आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। बिल्लू को क्या डर है भाई, कभी वो इस टॉयलेट के गड्ढे में, पिट का मतलब होता है गड्ढा, उसमें कहीं गिर ना जाऊँ। हाउ स्टूपिड एंड नाउ आई नो इट्स यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, डोंट बी स्केर्ड बी रिस्पॉन्सिबल। सिमी ने कह रही है भाई कितने बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, और अब मुझे पता चला कि तुम और हमारे कुछ और दोस्त जो हैं जो ढंग से टॉयलेट को यूज़ नहीं करते हैं वो ही टॉयलेट को गंदा करते हैं टॉयलेट को ढंग से ना यूज़ करके। अब वो कह रही है भाई घबराओ मत टॉयलेट यूज़ करने के लिए, जिम्मेदार बनो। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल यूज़ द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली। कह रहा है भाई ढंग से बैठ कर उसमें यूज़ करना सीखो। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, हमेशा यूज़ करने के बाद फ्लश करो। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने हाथ पैर और जो पोटी के हाथ धोते हैं ना पिछवाड़ा साफ करते हैं ठीक है, तो उसको मतलब ढंग से अपने आपको सफाई करो अपने बॉडी की। वॉश योर हैंड्स थोरोली, और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के धो, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट का। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 36। यहाँ पे है भाई कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपको खुद से करने हैं। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो टॉयलेट एरिया है उसके बारे में आप लिखेंगे कि कैसा है, अच्छा है, साफ है, गंदा है, कैसा है, ठीक है। इज इट क्लीन, क्या वो साफ है, हु क्लीन्स इट एंड हाउ, उसे कौन सफाई करता है और कैसे सफाई करता है, हाउ डू यू हेल्प इट हेल्प इन इट, और आप उसमें कैसे हेल्प करते हो। From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after its use and washed its his hands. अब उसके बाद से Billu ढंग से टॉयलेट को यूज़ करने लगा, अपने आप को भी साफ करने लगा अच्छे से और हाथ पैर भी अच्छे से धोने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ईजी है, आप खुद से करेंगे। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप टॉयलेट को क्लीन करते हैं जैसा कि आप खुद यूज़ करना चाहते हैं साफ सुथरा, तो लिखेंगे भाई यस या नो, ठीक है। अगर करते हैं तो यस आई लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट एज आई वॉन्ट इट माई सेल्फ, ऐसे लिखेंगे। एनलिस्ट दैट आई टाइम्स व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, आप
कौन कौन सी बार अपने हाथ धोते हो वो आप लिखोगे भाई, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेलने के बाद, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप कितने किस किस समय अपने हाथों को धोते हैं। वेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, आपको कब कब लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं। तो ये भी आप खुद से लिख सकते हो भाई, टॉयलेट करते हो, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है। खेलते हैं तो उसमें हाथ गंदे हो जाते हैं, और कोई काम ऐसा कर रहे हो भाई, झाड़ू पोछा इस तरह से कर रहे हो तो हाथ गंदे हो जाते हैं, है ना, साफ सफाई करते वक्त। तो इस तरह से आप वो चीज़ें लिख सकते हो। वेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, आपको अपने आप को सफाई करने में कब कब ज़रूरत पड़ती है। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ डेली, भाई डेली मैंने लिख दिया है, बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, भाई डेली बात करोगे मतलब कि नहाओगे और ब्रश करोगे अपने दांतों को, तो उससे भी आप सफाई कर सकते हो, अपने आप को साफ रख सकते हो। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, भाई नाखूनों को रेगुलर बेसिस पर काटता है, बढ़ने ना देता है ताकि उसमें मैल ना जमे, ठीक है ना, उस तरीके से आप अपने आप को साफ रख सकते हो। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, प्लेइंग बिफोर और बिफोर ईटिंग, कह रहा भाई खेलने के बाद और टॉयलेट यूज़ करने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोने, रेगुलरली धोने से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। वियर क्लीन क्लॉथ्स डेली, साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं डेली, उससे भी हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। वट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, अगर हम ऊपर की ये लिखी हुई चीज़ें अगर ना करें तो क्या होगा। वी मे फॉल इल या फिर सिक, ठीक है, हम बीमार पड़ सकते हैं साफ सफाई ना रखने से। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड, ये देखो भाई लता का घर। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, वेन एंड हाउ, तो क्या कोई स्पेशल तरीका है, क्या कोई स्पेशल तरीका है जैसे जिसमें जैसे जिससे आप अपने घर को साफ करते हैं और डेकोरेट करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हो आप और कब कब करते हो वो लिखना आपको भाई। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। वी डेकोरेट आर हाउसेज यूजिंग फ्लावर्स, वॉल पेंटिंग्स, फ्लावर पॉट, ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ वुड्स और ग्लास, भाई फूलों से फूले लगा देते हैं, गुलदस्ते वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, गमले लगा सकते हैं, वॉल पेंटिंग कर सकते हैं भाई, दीवारों पे पेंटिंग या पेंट जैसे बनवाते हैं ना आजकल, अलग अलग डिज़ाइन के पेंट होते हैं। ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ वुड्स, भाई लकड़ी की कुछ फ्रेम्स होते हैं या फिर कोई चीज़ें होती हैं डेकोरेशन वाली, उसको हम लगा सकते हैं, या फिर शीशे की कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको हम लगाकर घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और कौन कौन से स्पेशल ओकेजन पे कर सकते हैं भाई, ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे वी डेकोरेट आवर हाउसेज विद रिबन्स एंड बलून्स, ऑन दिवाली वी यूज़ फैंसी लाइट्स, कैंडल्स, अर्धन दियाज, रंगोलीज एटसेट्रा टू डेकोरेट आवर हाउसेज। भाई बर्थडे पे कैसे करते हैं, बलून लगाते हैं, रिबन लगाते हैं, है ना, उससे डेकोरेट करते हैं। और दिवाली पर कैसे करते हैं भाई, फेस्टिवल हो गया दिवाली तो स्पेशल ओकेजन है, दिवाली पे क्या करते हैं हम, दिया लगाते हैं, फैंसी लाइट लगाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, मोमबत्तियाँ, ठीक है, रंगोली बनाते हैं, उस तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। अब नेक्स्ट है भाई, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेज, अब ये आपको खुद से करना है, ये भी अपने दोस्तों से पूछोगे कि भाई वो कैसे कैसे अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, आप अपने घर को किन किन चीज़ों से डेकोरेट करते हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं डेकोरेशन में। पेंटिंग्स, क्रिस्टल एंड वुड शो पीसेस, फ्लावर पॉट्स, कलरफुल रिबन्स एट्सेट्रा, पेंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स मतलब गमले यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल रिबन यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल या फिर लकड़ी के किसी शो पीसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ होगा जिससे आप डेकोरेट करते हैं, जैसे रंगोली हो गया है या और कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है आपका, ये आपको खुद से करना है, इसका पूरा क्वेश्चंस जो आपने खुद मैंने कराए हैं वो भी करने हैं, और जो खुद से करने के लिए कहा गया है पार्ट वो भी करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।